हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर एक्स इन द फिगर। इस क्वेश्चन में हमें बताना है एक्स यहाँ पे क्या है, और कह सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है रिगार्डिंग स्ट्रक्चर एक्स। तो यहाँ पे पहला है कि इट इज फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूरॉन्स ओनली। सेकेंड, इट मेंटेन्स रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेशियम। थर्ड, इट इज ए प्रोटीन दैट मेंटेन्स हाई इंट्रासेल्युलर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस। एंड लास्ट है, इट डज नॉट रिक्वायर एटीपी फॉर द ट्रांसपोर्ट। तो ये देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट की, तो हम यहाँ पे जानेंगे सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम पंप क्या होती है? तो ये जो है एक वाइटल मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है। क्या होती है? एक मेम्ब्रेन जो है प्रोटीन होता है जो नियरली ऑल एनिमल्स सेल्स में पाया जाता है। उसके बाद अगर इसके रोल की बात करें तो ये मेंटेन करता है सेलुलर होमियोस्टेसिस को। किसको? होमियो जो है स्टेसिस को। कैसे? बाय एक्टिवली ट्रांसपोर्टिंग सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सो अगर हम यहाँ पे पहले ऑप्शन की बात करें तो पहला है इट इज फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन्स ओनली। तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप जो है पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनिमल सेल्स। ये किस में पाया जाता है? ऑलमोस्ट ए ऑप्शन की बात करें तो ऑल होगा, ऑल जो है एनिमल सेल्स में होगा, नॉट जस्ट न्यूरॉन्स में। तो ये यहाँ पे गलत होता है। दूसरा है इट मेंटेन्स रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो है क्या करता है, ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है बी ऑप्शन हेल्प करता है मेंटेन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बाय एक्टिवली ट्रांसपोर्टिंग थ्री सोडियम आयंस आउट एंड टू पोटेशियम आयन इनटू द सेल, जो बहुत ही क्रूशियल होता है फॉर सेलुलर होमियोस्टेसिस। यानी कि थ्री जो है सोडियम आयन को ये बाहर निकालेगा, दो पोटेशियम जो आयन अंदर आती है, ताकि यहाँ पे क्या हो पाए, सेलुलर होमियोस्टेसिस यानी कि बैलेंस हो पाए। तो ये बिल्कुल सही हो जाता है, और इस क्वेश्चन में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। थर्ड है इट इज ए प्रोटीन दैट मेंटेन्स हाई इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन्स। तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये पंप जो है एक्चुअली वर्क्स टू कीप द इंट्रासेलुलर सोडियम कंसंट्रेशन, ताकि वो क्या रह सके, लो रह सके, एंड ये लो रह सके सोडियम, एंड यहाँ पे पोटेशियम क्या रह सके, कंसंट्रेशन हाई। तो ये क्या हो जाता है यहाँ पे? गलत। उसके बाद लास्ट है इट डज नॉट रिक्वायर एटीपी फॉर दी ट्रांसपोर्ट। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप में जो है रिक्वायर्स होती है एटीपी यानी कि एनर्जी, एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की, टू फंक्शन एज इट इज एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम और मैकेनिज्म। ये जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, और एक्टिव कोई प्रोसेस हो रही है वहाँ पे एटीपी की जरूरत होती है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, अगेन गलत। हमें करेक्ट जो है बताना था। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।